कान्हा के परम भक्त सुदामा को प्रेत भद्राक्ष बलपूर्वक ले जाता है कंस महल। सखा कान्हा सहायता करो मेरी। बुआ, दिव्य तो सबके बालक होते हैं, तो फिर ऐसा क्या अद्भुत है आपके पुत्र में? उसकी तीन आंखें और चार हाथ है, देवता तुल्य है मेरा पुत्र। किंतु तीन आंख और चार हाथ तो असुरों के भी होते हैं। और कान्हा की बुआ सत्सुवा होती है कान्हा पर क्रोधित। रुक्मणी, हमें कल निकलना है चंदेरी राज्य शिशुपाल के यहाँ, अब वही होगा तुम्हारा जीवन संगी। भविष्य में प्रभु की संगिनी बनने वाली उनकी परम भक्त रुक्मणी को शिशुपाल से बचाने हेतु कान्हा एक बार पुनः करेंगे कृष्ण लीला। हमारी पुत्री को कुछ नहीं होना चाहिए, सेनापति ढूंढिए राजकुमारी को। भक्त रुक्मणी की सहायता करने कृष्ण जाते हैं बुआ सत्सुवा और शिशुपाल के राज्य चंदेरी। जी तो ये सोच रहा है कि बिना कान्हा के यहाँ आए तो बच जाएगा, तो ये तेरी भूल है। कृष्ण भक्त सुदामा को दंड देने में एक बार पुनः असफल होते हैं भद्राक्ष और हिरण्यकश्यप। असुर दंत वक्र से राधा और रुक्मणी के प्राण बचाने हेतु बलराम तथा कान्हा करते हैं दंत वक्र की भयानक कंदरा में प्रवेश। अच्छा हुआ कि तो खुद चलकर मेरे पास आ गया। मुझे आना ही था, क्योंकि मैंने तुम्हें वचन जो दिया था। मुझे नहीं पता कि तुम किस वचन की बात कर रहे हो, किंतु आज एक वचन मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। कान्हा पर माखन फेंक शिशुपाल करता है उनका अनादर। क्यों माखन चोर, कैसा लगा मेरा स्वागत? तुम्हें सचमुच अपने कान्हा पर विश्वास है तो चलो इस लावा पर। आज मैं इस लावा पर नहीं चली ताकि अहंकार की जीत और मेरी भक्ति की हार होगी। कृष्ण विरोधी शिशुपाल और रुक्मी को अपने सखा कान्हा की श्रेष्ठता सिद्ध करने हेतु रुक्मणी करती है लावा कुंड में प्रवेश और क्रोधित हिरण्यकश्यप करता है सुदामा का अंत। रुक्मणी के कष्टों को स्वयं पर ले भक्त को भगवान से भी उच्चतम स्थान देते हैं श्री कृष्ण। परीक्षा मेरी थी किंतु दुख आपने सहा, आग पर मैं चली और तलवा आपका जला, मेरा ताप आपने धारण कर लिया था ना। और बांसुरी बजा करते हैं शिशुपाल के मंगल को अमंगल में परिवर्तित। अपने क्रोध और आक्रोश के अंतिम चरण में पहुंच चुका हिरण्यकश्यप सुदामा को सबसे कठिन यातना देने हेतु करता है उसका अंत करने का प्रयास, किंतु अपने भक्त की रक्षा हेतु कान्हा धारण करते हैं नरसिंह अवतार। कान्हा को अपने मंगल में विघ्न का कारण मान शिशुपाल रुक्मणी के भ्राता के साथ मिलकर करता है रुक्मणी का अपहरण। हम जिस कार्य के लिए आए थे वो अभी पूर्ण नहीं हुआ। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तू जहाँ भी जाता है इतने कार्य लाता कहाँ से? चल लला। और वचनबद्ध कान्हा माता यशोदा और स्वयं के वचनों के मध्य हो जाते हैं असहाय। ये यक्ष शक्ति है, इसे कोई नहीं बच सकता, आज या तो भक्त का अंत होगा या भगवान का। श्री कृष्ण से प्रतिशोध लेने की मंशा लिए शिशुपाल चलाता है उन पर सर्वनाशी यक्ष शक्ति, परंतु बीच बचाव करने आई रुक्मणी स्वयं हो जाती है घायल। और 5 वर्षों पुरानी विष्णुवंत की इच्छा लिए कंस 5 युगों से विष्णु शत्रु और महा असुरों की माता धनु माँ का करता है आह्वान। श्री कृष्ण की लीलाओं का भागीदार बनने आता है एक अबोध भक्त। जो श्री कृष्ण की भक्ति में त्यागता है स्वयं के प्राण। असुर प्रजाति की जननी असुरी माता धनु का होता है पृथ्वी पर आगमन। अब क्या नया मोड़ लाता है असुर माता धनु का आगमन श्री कृष्ण के जीवन में? मैं पराजित नहीं हुआ, मुझे छला गया है। हे नारायण, अपने भक्त को न्याय दिला। शिवांग के पिता के साथ हुए छल और अन्याय का न्याय करने हेतु कान्हा अपने भक्त शिवांग को न्याय दिलवाने की रखते हैं नी। अब तुम पराजित होगे और माँ संगीत का सुरमिणी के पुत्र के द्वारा ही तुम्हें दंड मिलेगा। पुत्र अपना ख्याल रखो। हरिओम, ब्याज पर धन देता हूँ, सूद समेत लेता हूँ। अरे ठहरो ठहरो संगीतज्ञ महोदय,
जा कहाँ रहे हो तुम? मैं काशी जा रहा हूँ और संगीत प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करके आपका सारा ऋण चुका दूंगा और तब तक आपको यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुन रही हो इंद्राणी, क्या कह रहा है तुम्हारा ये पुत्र? मेरी मानो तो इसे रोक लो, कहीं ये भी तो तुम्हारे पति की तरह है, मृत्यु के मुख में तो नहीं जा रहा है। साहूकार, ये मेरा पुत्र है, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। हरिओ। अरे वाह वाह, चिंता क्यों ना करूं मैं, यदि इसे भी कुछ हो गया तो फिर मेरा ऋण कौन चुकाएगा? तुम? साहूकार जी, धन के लालच में आप अपनी मानवता भी भूल गए। अब ये कौन बोला? आपका परिचय बंधु? बंधु, यदि मैंने अपना परिचय दे दिया ना तो आप अपनी माया मोह भूल जाएंगे। अब बस आप इतना समझ लीजिए, यदि आपने इस परिवार में किसी का भी अहित किया ना तो ये आपके लिए उचित नहीं होगा। ओ, मैं तो डर गया। देखो बालक, मैं भी तो इस परिवार का हित ही चाहता हूँ, लेकिन एक साहूकार अपना ऋण भी तो नहीं छोड़ सकता ना? अब तुम ही बताओ, यदि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या? हमें तुम्हारी दोस्ती नहीं चाहिए साहूकार, कल आना और तुम्हारा जो भी ऋण है ले जाना। इतना विश्वास? ठीक है शिवान, तो फिर मैं कल आता हूँ पूरी तैयारी के साथ, लेकिन एक बात गांठ बांध लो, यदि कल तुमने मेरा ऋण नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारी माता के साथ विवाह कर लूंगा, विवाह कर लूंगा। साहूकार जी, अपनी जीवा को ना नियंत्रित रखना चाहिए, क्योंकि भूल जीवा करती है और मनुष्य को दंड भुगतना पड़ता है। चलो सखा। कहा था ना साहूकार जी, जीवा। श्री कृष्ण धूर्त तारकेश्वर के षड्यंत्र को करेंगे विफल। मेरे रोम रोम में बसते हैं नारायण, बन के सुर सागर। और कृष्ण कृपा से संगीत प्रतियोगिता में विजयी हो शिवा, अहंकारी तारकेश्वर को देगा मृत्यु दंड। मुरली मनोहर ने हमें सुन ली, हमें गुल्लू की संतान से हमको मिला दिया, हमें गुल्लू की बिटिया हमारे घर वापस आ गई। दारोगा जी, दाल मोट और चाय। बेटा पियो चाय। अरे हेलो मम्मी, राधे राधे। का होए गो, पेट में हार नहीं आए गई? अरे तुम इतने आए जाओ। एक बात अपनी लुगाई से कह दो, हम अपने अतबीर भैया को मना ना कर पाएंगे। हमारे भैया आए रहो है तो आए रहो है। हमारी अम्मा आई है सो आई है, हमने कह दी सो कह दी। हटा हो जे पैर अपनो। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रे। विक्रम बेताल में कल देखिए। बहुत बच लिए तुम मेरे विष से, अब मैं भी देखता हूँ कि किस तरह तुम मेरे विष से बचते हो। अब यहाँ से निकलने का केवल एक ही मार्ग है और वो है तुम्हारी मृत्यु।